बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बियाज़ किचन। मैं हूँ जी सायरा ख़ान, आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जी जनाब, आगाज़ करते हैं अपने खूबसूरत से दिन का इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित करे। और सबसे पहले तो मैं आपको वुमेन डे की मुबारकबाद दूंगी, बहुत बहुत मुबारक हो आप सब ख़वातीन को। जी आज हम सब ख़वातीन का आलमी डे है। तो जहाँ पर औरत को अल्लाह ताला ने इतना को मज़बूत बनाया है, कुर्बानी, एसार, प्यार, सब्र, मोहब्बत, तहमुल, इन सब खूबियों से अल्लाह ताला ने नवाजा है जी इस औरत को। तो वहाँ पर मैंने इतना कोई दिलखराश वाकया सुना सोशल मीडिया पे, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, कि 7 दिन की बच्ची मियाँ वाली में उसके साथ इतना कोई, मैं क्या बोलूँ, किस तरह का सलूक हुआ है उसके साथ। अल्लाह ताला ने उस जन्नत को अपने पास बुला लिया और जन्नत के बागों में रखा है। तो अल्लाह ताला सब्र दे उसकी माँ को, जो कि इस टाइम पता नहीं किस कर्ब और किस तकलीफ़ में मुबतला होगी। तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, आपने भी सुना ही होगा जिस तरह का ये हुआ है। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है ऐसे लोगों को और इबरत का निशान बनाए। मैं तो ये चीज़ कहती हूँ कि जिसने भी ये किया है अपनी औलाद के साथ, इस तरह का सलूक हुआ है। तो जी चलें। अच्छा, आज मैं आपको ये बाहर का सुबह सुबह व्यू दिखा रही हूँ। आज ना मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मेरी बेटी ने स्कूल जाना था। जब से रिज़ल्ट आया था उसकी छुट्टियाँ थी, तो अब उसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो आज उसकी क्लास का फर्स्ट डे था, तो मैंने कहा चले, मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी बाहर, मैंने कहा चले आपसे गपशप भी करते हैं और मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। अब ना सर्दी है ना गर्मी है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं। तो बस तुसी अपने अपने दिमाग ठंडे रखने ने हुन ऐ ना है कि मौसम भी गर्म होन तो तुहाडे दिमाग भी गर्म होन है। बस हुन तुसी अपने दिमाग गर्म नहीं रखने, ठंडे ठंडे दिमाग रखो। मौसम भी अल्लाह ताला नॉर्मल कर देगा, ठंडे कर देंगे। रमज़ान भी आने वाले ने, रमज़ान में इंशाल्लाह बेहतर गुजरेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए आप परिंदों की आवाज़ें सुने, कितनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की। चलें जी, अब मैं इसके साथ ही अब मैं अंदर जाती हूँ, अपनी बेटी को उठाती हूँ स्कूल के लिए, देर हो रही है, उसको भी उठा के स्कूल भेजती हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पर ना मैं ये शीरवान अपने लिए फ्राई कर रही थी सुबह नाश्ते में ना, तो मुझे शीरवान अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलें आज यही खा लेती हूँ। जी तो जनाब, मैं ना अभी दोबारा से आई थी किचन में, तो मैं साथ साथ काम भी कर रही थी, तो मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, तो उसको अभी भूख लगी है, तो मैंने कहा चलें घर में क्रीम भी है, ब्रेड भी है, शौक से खा लेती है। तो मैं यहाँ पर ना उसके लिए क्रीम और ये ब्रेड मैंने अभी भी मैंने निकाली थी, मैंने कहा चलें मैं उसको क्रीम लगा के दे देती हूँ ब्रेड पर। तो साथ ही मैं चाय भी बना रही थी, मैंने कहा चलें चाय भी बना लेती हूँ, आधा आधा कप दोनों के लिए और एक कप अपने लिए भी, साथ में मैं भी खा लूँगी क्योंकि समझ ही नहीं आती। तो अभी यहाँ पर मैं ये आपको लोबिया दिखा रही हूँ, लोबिया मैंने ना अभी भिगोया है शाम के लिए, आज मैं शाम में लोबिया बनाऊँगी क्योंकि रोज़ पकाने का कुछ यही सीन होता है कि समझ नहीं आ रही होती कि रोज़ क्या बनाएं। तो मैंने ना लोबिया अभी भिगो के रख दी है, मैंने कहा चलें इसको टाइम लगता है थोड़ा सा ना, मैंने कहा अभी भिगो के रख देती हूँ, तो चलें शाम तक ये है कि ज़रा फूल भी जाएगा, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। जी तो जनाब, मैंने यहाँ पर ना ये रिफ्रेशमेंट के लिए मैं बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना रही थी। पहले उन्होंने ना वो ब्रेड खाई थी दोपहर में और साथ में उनको मैंने चाय दे दी थी हाफ हाफ कप, तो मैंने कहा चलें अभी ये स्ट्रॉबेरी शेक बना दूँ उनको ना, उसके बाद फिर मैं खाना बनाना अपना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें, डालती हूँ मैं इससे चीनी, तीन चम्मच भर के। ये तकरीबन ये एक गिलास के करीब ये दूध था जो कि मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है जी। तो जनाब, हमारा स्ट्रॉबेरी शेक यहाँ पर तैयार है। स्ट्रॉबेरी भी बड़ी अच्छी, बड़ी मीठी और सीजन की स्ट्रॉबेरी आई हुई है। तो आज जब से ये सीजन शुरू हुआ है स्ट्रॉबेरी का, मैंने आज फर्स्ट टाइम ही मंगवाई है स्ट्रॉबेरी ना, तो मैंने कहा चलें बच्चों को जरा शेक भी बना के दे दूँ। वैसे तो वो कम कम ही खाते हैं स्ट्रॉबेरी ना, तो शेक होता है तो वो पी लेते हैं फीडर में,
तो चलें जी, अब जरा मैं उनको ये सर्व कर दूं, फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। जी तो जनाब, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपसे भी गपशप करती हूँ, साथ साथ आपसे मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ मैंने क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पर ये कुकर में आधी प्याले घी लिया था, और मैंने यहाँ पर ना प्याज जो है चॉप करके नहीं बल्कि पीस के डाले हैं, ठीक है, वरना वो ग्रेवी वाले बनेगा ना लोबिया, तो उसमें ना फिर बुरा लगता है मुंह में आता है। तो और साथ ही मैंने यहाँ पर ये दो बड़े साइज के टमाटर लिए थे, ये भी मैंने पीस लिए हैं यहाँ पर, इसका पेस्ट बना लिया है। और ये मसालों में मैं आपको दिखा दूँ, सब बेसिक यहाँ पर ये मसाले हैं। और यहाँ पर ये आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, एक चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच यहाँ पर पीसी हुई लाल मिर्च है, एक चम्मच यहाँ पर कुटी हुई मिर्च है, और ये आधा चम्मच के करीब पिसा हुआ धनिया है, एक चम्मच मेरे पास जीरा है, और ये एक बड़ी इलायची है, और ये दो बादियान के फूल है, और साथ ही यहाँ पर मैंने अभी ये लहसुन अदरक भी पीस के रखा है, और ये जो मैंने आपको ये दिखाया था लोबिया, और मैं उस टाइम पे कुछ गलत बोल गई थी, मेरे जहन में नहीं आ रहा था, गलता नहीं है, भिगोने से ये होता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और फूल भी जाता है। और ये देखें इस तरह से, अब इसका पानी भी देखें फूलने से इसका पानी भी जो है वो सॉक हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये धनिया और हरी मिर्चें हैं, ठीक है, ये मैं अभी लास्ट पे डालूंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैं ये प्याज आपको बता दूं कि प्याज जब मैं ग्राइंड कर रही थी ना, मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी डाला था इसको पीसने के लिए, तो इसमें अभी पानी है ना, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा, अभी हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जैसे ही यहाँ पे प्याज फ्राई हो गए, तो फिर ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करके, तो फिर अच्छी तरह से मसाला भून के लोबिया डाल दूंगी गलने के लिए। और लोबिया गलने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का मैं सिर्फ वेट लगाऊंगी, इतना ज़्यादा नहीं लगाना। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून रहा है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने किस तरीके से क्या क्या डाला है। यहाँ पर जैसे ही प्याज फ्राई हुआ था, तो मैंने इसमें जो साबुत आपको इलायची दिखाई थी और वो बादियान के फूल थे, मैंने वो डाल दिए थे, और वो उसको अच्छी तरह से फ्राई किया 2 से 3 सेकंड के लिए। फिर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था पिसा हुआ, उसके बाद फिर मैंने इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, और साथ ही टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था मैंने वो डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था। और वो सब चीज़ें डालने के बाद अब हमारा मसाला यहाँ पर देखें अच्छी तरह से भून रहा है। अभी जैसे ही यहाँ पर ये घी अलग होगा मसाले से, तो फिर मैं इसमें लोबिया डाल दूँगी। लोबिया डाल के इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी टू कुक क्विक रेसिपी है। चलें जी, अब मसाला भून जाए फिर मैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, और अब मैंने इसमें लोबिया डाल दिया है। लोबिया डालने के बाद मैं इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी का शामिल करूँगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का वेट लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है, तो वो जी लगा के बहुत ज़्यादा फिर वो गल जाए और क्या कहते हैं पप्पा हो जाए, बहुत ज़्यादा घुल ना जाए, ठीक है ना जी। तो जनाब ये देखिए, मैंने अभी इसका ना ये वेट मैंने लगाया था, तो अभी मैंने ढक्कन इसका हटाया है, तो लोबिया हमारा अलहमदिल्ला यहाँ पे गल चुका है, और मैंने सिर्फ 5 मिनट का वेट लगाया, फिर उसमें ही अलहमदिल्ला गल गया है। तो अभी मैंने इसमें ये हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल बंद कर रही हूँ, और ये मैंने आपको जो हरी मिर्ची और ये धनिया दिखाया था, अब मैं बिल्कुल एंड पे ये डाल दूँगी, और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी। अच्छा जी, तो मैंने ना यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था, तो ये देखें यहाँ पर इसका ये जो घी है ये मसाले से अलग हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पर हमारा जो लोबिया है, लोबिया का सालन बिल्कुल तैयार है। तो अब मैंने उतनी देर मैंने आटा भी गूंथ के रख दिया था, तो अब मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रोटी शोटी खा ली है, सब ने फ्री हो गए हैं, किचन साफ़ कर लिया था, तो अब मैं छत पे आई थी वॉक करने, साथ साथ में ये चाय भी पी रही थी। ये देखें जी, तो मैंने कहा चलें वॉक भी करते हैं, साथ साथ चाय भी पीती हूँ, साथ साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ भी बोल देती हूँ। तो जी जनाब, मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर करूँगी, और अगर आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे इजाज़त दें, और मुझे अपनी दुआओं में भी बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। हंसते रहो, बसते रहो, अपने घर खुश रहो, आबाद रहो। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।